सब्सक्राइब कीजिए बायोग्राफी एंड फैक्ट्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बाबा रामदेव एक भारतीय हिंदू स्वामी हैं और विशेष रूप से योग को प्रसिद्ध बनाने के अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। बाबा रामदेव के योग शिविर में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा सकती है। बाबा रामदेव दिव्य योगा मंदिर ट्रस्ट के संस्थापकों में से एक हैं। बाबा रामदेव का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच योग को बढ़ावा देना है। धीरे धीरे बाबा रामदेव खुद योग के एक बड़े ब्रांड बन गए हैं, लेकिन आजकल बाबा योग से ज्यादा अपने कारोबार को लेकर चर्चा में हैं। बाबा के बनाए हुए प्रोडक्ट धीरे धीरे घर घर में पहुंच रहे हैं और बाबा खुद ब्रांड एम्बेसडर बनकर हर चैनल पर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते दिख रहे हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं रामदेव बाबा का जीरो से लेकर हीरो तक का सफर। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 26 दिसंबर 1965 को हुआ। रामदेव का असली नाम रामकृष्ण था, उनकी माँ का नाम गुलाबो देवी और उनके पिता का नाम रामनिवास यादव है। उनके माता पिता अनपढ़ थे और बेहद गरीब भी। बाबा रामदेव ने हरियाणा के शाहजहांपुर में 8वीं तक पढ़ाई की और बाद में योग और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे खानपुर गांव के गुरुकुल में शामिल हो गए और बाबा रामदेव ने संसारिक जीवन त्याग दिया। बाद में बाबा रामदेव ने जिंद जिले की यात्रा की और कालवा गुरुकुल में शामिल हो गए और हरियाणा में ग्रामीणों को निःशुल्क योग का प्रशिक्षण देने लगे। बाबा रामदेव ने अपने जीवन के कई साल भारतीय प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को सीखने में व्यतीत किए। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना की। ये संस्था योग और आयुर्वेद की उपचार शक्तियों का शोध करती है। इसके अलावा ये संस्था आसपास के ग्राम निवासियों को मुफ्त सेवाएं भी देती है। वर्ष 2002 में गुरु शंकरादेव की सेहत खराब होने के बाद बाबा रामदेव ने खुद दिव्य योग ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाली और अपने दोस्त बालकृष्ण को ट्रस्ट के फाइनेंस का जिम्मा संभालने को दिया और दूसरे दोस्त कर्मवीर को ट्रस्ट का प्रशासक बनाया। इन तीनों ने साथ मिलकर पतंजलि योगपीठ इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में रामदेव अपने शिविर लगाने लगे, जिसमें मुश्किल से 200 से 300 लोग आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में योग शिविर लगाया, जिसमें मुरली मनोहर जोशी और साहिब सिंह वर्मा जैसे कई नेता भी पहुंचे। दिल्ली का दिल जीतने के बाद बाबा मुंबई पहुंच गए और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुंबई के लोग उन्हें इतना प्यार देंगे। एक तो वो वक्त था जब महज 200 लोग रामदेव के शिविर में आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या हजारों और लाखों तक पहुंच गई। मुंबई में धीरे धीरे कई फिल्मी हस्तियां भी बाबा से योग सीखने आने लगी, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर शिल्पा शेट्टी तक शामिल हैं। बाबा का योग अब फिल्मी सितारों को फिट रखने का सहारा बनने लगा। योग के साथ बाबा रामदेव ने अपने आश्रम में आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनानी शुरू कर दी। रामदेव के ट्रस्ट का मकसद था आम लोगों के बीच योग और आयुर्वेद को पहुंचाना। खुद बाबा रामदेव ने कई बार बताया है कि पहली बार जब उनको 50,000 रुपए का दान मिला था, उसी से उन्होंने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कारोबार शुरू किया था, जो आज हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। दिव्य योग ट्रस्ट 2006 में दूसरा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की ही संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। हरिद्वार में बाबा रामदेव का यह आर्थिक साम्राज्य करीब 600 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। इसमें 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, योग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी और आयुर्वेदिक फार्मेसी के अलावा फूड पार्क और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है। पहले योग, फिर आयुर्वेदिक दवाइयां और अब बाबा रोजमर्रा की जरूरत की हर चीजें बनाने लगे हैं। साबुन शैम्पू से लेकर आटा, दाल, चावल हर प्रोडक्ट मौजूद है। रामदेव खुद अपने प्रोडक्ट की गारंटी देते हुए लोगों को उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहते हैं। वर्ष 2007 में KIIT विश्वविद्यालय कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने योग के वैदिक विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और स्वामी रामदेव को उनके योगदानों के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। काले धन और भ्रष्टाचार के विरोध में बाबा रामदेव ने 2011 में रामलीला मैदान पर अपना आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उनके साथ सैकड़ों लोग अनशन पर बैठे थे। लेकिन आधी रात को अनशन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बाबा खुद वहां से भेष बदल कर चले गए, जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना की गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की रोमांचक वीडियोस देखने के लिए।